गाइस यूट्यूब चैनल सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो फिर आज मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। सफाई समझे तो मतलब घर झाड़ना होता है, घर झाड़ रही थी। देखिए तो ये सारा झाड़ दिया है मैंने, ये सब तरफ झाड़ू घुमा घुमा के झाड़ दिया है। और ये देखिए ये सामान कैसे बिखरा हुआ मेरा रूम का, तो पूरा बिखरा बिखरा हुआ है। और पति देव अभी बड़ी वाली बाबू को लेने गए हैं स्कूल, वो स्कूल से आएंगे तो छोटे वाले बाबू को पकड़ाऊंगी अभी, तब जाके जो भी काम बचे हुए वो सारा ख़त्म करूंगी काम करके। तो ये देखिए मेरा पूरा रूम बिखरा हुआ है। तो हम तो अपने रूम की या अपने घर की ऐसे सफाई करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग अपने घर के कैसे सफाई करते हो। हम तो जो भी जो सरियाया हुआ होता है वो भी उतार के रख देते हैं कि वो भी गंदा हो जाए, फिर अच्छे से साफ करूँगी। हम अपने रूम का ऐसे सफाई करते हैं और घर का जो भी होता है, मतलब मैं सोचती हूँ ना अगर साफ करो गाइस तो अच्छे से साफ करो, नहीं तो मत करो, मेरा कहना ये है। और फिर आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे साफ करते हो अपने रूम के, क्योंकि मेरा रूम का तो ये हालत बन चुका है। देखिए ये हालत है मेरे रूम का, आप देख रहे हो ना, इस तरीके से है मेरा रूम। अब बाकी ऊपर का मैंने सफाई करके और उसके बाद में सारा मतलब नीचे में बोरा होता है ना, बोरा डाल करके और सब सामान को सरिया दिया है, अच्छे से नहीं सराया जैसे तैसे रख दिया अभी फ़िलहाल जल्दबाजी में। और अभी के लिए तो फिलहाल यही चल रहा है। और आज तो खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ नाश्ता किया रूम में लगे हुए साफ़ सफाई करने के लिए कि थोड़ा सफाई हो जाए, तो थोड़ा सा जाला वगैरह ये सब है ना ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा मच्छर भी लगता है ना ये सब गंदगी से। तो गाइस आप अपने रूम का बताना या अपने घर का, मैं तो ऐसे ही करती हूँ सफाई ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। और फिर कॉमेंट करना आप लोग और थोड़ा प्यार देना आप लोग। और अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।